हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कल हमारे साइड में ना इधर हवा तूफान और हल्का बारिश हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे पत्ते झड़ गए हैं आंगन में। तो बस सुबह सुबह यही घर की सफाई वगैरह मतलब होता है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आप सब ऐसा ही बने रहेगा ब्लॉग में, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का समय, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, उसके बाद इधर आई थी। कल ना हल्का हल्का बारिश हुआ है और हवा तूफान में ना बहुत सारा कचड़ा गिरा हुआ है, मतलब गिरा हुआ था। बाकी नहीं तो झाड़ू वगैरह लग गया इधर, देखिए इधर का भी, बाकी सामने सभी साइड का। और उसके बाद मैं इधर आ गई थी, सूरज भी निकल गया है, नहीं तो बादल बादल सा लग रहा था सुबह भी। भैया वगैरह को भी निकाल लिए हैं, चाची लोग हैं, भैया नहीं निकाले शायद तक, ये चराने ले गए होंगे हम लोग के यहाँ पर। भैया निकल गए, ये तो टूट गया है, पर यहाँ पर बैठना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अक्सर सुबह उठते के साथ बैठती हूँ यहाँ पे गैया लोग के साथ। हम लोग का गैया है, यहीं पे बांधते हैं, बाकी यहीं पे मैं बैठती हूँ कुछ टाइम। तो दोस्तों देखिए, मनोहर उधर सेम तोड़ रहा है और पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेम सब्जी बनाने के लिए तो पेड़ में चढ़ जाइए, थोड़ा बहुत है तो तोड़ रहे। उधर देखिए पेड़ में चढ़ गए हैं। सूख गया है वाला, शादी जा रही है। नहीं, तो दोस्तों अच्छा माने सेम की सब्जी बनेगी, तो ये तोड़ के लिए आए हैं, इसको भी काटेंगे। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल गए हैं अंबिकापुर के लिए, खाना वाना खा के, और रास्ते में है घर में निकाल रहे थे उस समय ब्लॉगिंग नहीं कर, भूल गई। तो जा रहे हैं, तो अभी मतलब खाना ना खाए हैं तो निकल गए हैं, रास्ते में ही है अभी यहाँ पे पुल के पास। तो जूस हम लोग पियेंगे, जूस बोल रही हूँ, गन्ना जूस पियेंगे यहाँ पर पहुँच गए हैं तो। और दी नम्रता को लेते हुए जाएंगे, दीदी को सोनम दीदी भी जाएगी, उसको भी लेते हुए जाएंगे रास्ते में, सभी सभी को लेते हुए जाएंगे। तो बस यहाँ पर गन्ना जूस पी लेते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, ऐसे ही कंटिन्यू, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भैया गन्ना जूस निकाल रहे हैं, बाकी लाइन से यहाँ पर आपको गन्ना जूस वाला पूरा यहाँ पर झाला मिलेगा, आगे भी इधर साइड साइड में भैया निकाल रहे हैं। कितना पिएगी परी, परी कितना पिएगी, गिलास पिएगी। तो बस जूस पिएंगे फिर जाएंगे घर के लिए। गन्ना जूस पी के, तो दोस्तों हम लोग गन्ना जूस पी के अब निकल रहे हैं विश्रामपुर के लिए, क्योंकि नम्रता भी जाएगी साथ में ही,
तो उसको लेते हुए फिर रास्ते में दीदी मिलेगी तो दीदी को भी लेते हुए जाएंगे। वो भी मम्मी के पास जा रही है, दूसरे नंबर वाली दीदी, तो उसको भी लेते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे ही बने रहेगा ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग दीदी के यहाँ आ गए हैं और नम्रता को लेने के लिए। बस नम्रता तैयारी कर रही है, अपना सामान वगैरह डाल रही है, उसके बाद जाएंगे यहाँ से। बस अपना पैकिंग वगैरह कर रही है, बैठे दी। हम लोग भी दोपहर में आए सोने के टाइम में, 1:30 बज रहा है, मेरे को खुद ही नींद लग रहा है। दीदी को लूडो खेलने में लगी है, इतना खेलती मोबाइल में। लूडो बहुत खेलती है, लूडो लूडो खेल रही ना, टाइम पास करती रहती है, लूडो खेलती है मोबाइल में। और बाकी गौरव और छोटी तो चले गए अपना, जहाँ जहाँ उनको जाना था। और नम्रता तो अंबिकापुर वासी है, तो हमारे साथ चल रही है। दोस्तों देखिए, दीदी के बाड़ी में ना ये वाला आम वाला पेड़ बहुत छोटा था उस समय, और अभी कितना बड़ा हुआ, बाहर कितना आया है, देखिए फल कितना अच्छा लगा हुआ है। मैं ना बहुत दिन बाद ऐसे देख रही हूँ, देख रही थी इस बार आए तो इस बार फल लग गया इसमें। तो इधर आई अचानक से तो देख ली, देखिए कितना अच्छा हो रहा है आम में। चलते हैं अभी बाकी। तो दोस्तों हम लोग ना दीदी के यहाँ से, जयंती दीदी के यहाँ से होके निकल गए हैं, नम्रता को लेके इधर पीछे बैठी हुई है, और सोनम दीदी को भी लेने आ गए यहाँ पर। ये देखिए आ गई। तो कब से आई थी सोनम, कब से आई थी? 10 मिनट हुआ था। अच्छा, तो गौरव अनुराग कहाँ है? वो आएगा अभी स्कूटी में, उसके बाबा लोग। तो दीदी को भी ले लिए है, इसको पीछे रही दी। और फिर उसके बाद मम्मी क्या छोड़ेंगे, मम्मी क्या जा रही थी। सोनम समोसा खाएगी? अरे ठीक लगता है यहाँ का सोना समोसा। प्रतीक कहाँ है भाई? प्रतीक हाँ, तुम लोग यहाँ पे दीदी लोग के यहाँ पे चौक में ही ना इधर समोसा बहुत अच्छा बनाते हैं इधर, तो सोच रहे हैं कि एक ठू समोसा खा लेते हैं, एक ही समोसा खाते हुए चलेंगे। तो तू अचानक से कैसे जा रहा है? मैं सोच रही चली गई होगी तू, घूम के आ गई होगी। कौन से जाऊंगी, कल मीटिंग थी तो 5 बज गए ना आते। तो मैं सोची की वहाँ से हो, तू ना होली के बाद चली गई होगी ऐसे। कहाँ जा पाएगी? तो ये देखिए चटनी और समोसा तो खा रहे हैं। अबे चल उधर ही फेंक लेंगे, हो गया छोड़ दे, तो खा लेते हैं दोस्तों। तो नम्रता जा रही है, ठीक है बाय नम्रता। आदत हो गया होगा ना, इतना ऊपर है ना चढ़ना। तो दोस्तों हम लोग मम्मी के यहाँ दीदी को छोड़ने के लिए आ गए हैं, नम्रता को छोड़ने के बाद। सूख गया ना परी चना, परी आते के साथ चना उधर चली गई, चना साइड में। रास्ता में खा था थी कुछ कुछ खाए खाए तो ठीक है दोस्तों, अभी हम बैठते हैं थोड़ा देर ही, क्योंकि इतना धूप में अभी आए ना, 1 बजे के निकले हैं, घूमते घूमते कितना लेते मारते इधर उधर घुसते घुसते हलो को 3 बज गया, 3 से ज़्यादा ही हो गया, क्या पता टाइम को देखिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम बैठते हैं, बातें करते हैं थोड़ा बहुत, फिर मिलते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी ना हम लोग शाम को मम्मी के रुक गए हैं, तो अभी यही खाना वाना खा के जाएंगे। दीदी इधर मेथी की सब्जी बना रही है, बाकी मैं 12 बनाई हुई रहा, 12 की सब्जी। तो खाना वाना खा के ही जाएंगे। अब मम्मी बोल रही थी कि दाल उल भिगोई थी, तो यही बना बना के खा लो ऐसे करके, तो खावा के जाएंगे। दीदी तो यहीं रुकेगी, मैं हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों
मम्मी के यहाँ से ना खाना वाना खाने के बाद ना लोग बहुत टाइम तक बातें किए और उसके बाद आ गए हैं घर। और बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, अभी 11 बज रहा है और अभी चलती हूँ मैं सोने। वैसे बिस्तर में ही हूँ और इतना ज़्यादा नींद लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे को घर से ही नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलती हूँ सोने के लिए और एक जास्टर चालू है, इसका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं चेहरा भी नहीं धोई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।